स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी बांग्लादेश की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। बांग्लादेश में मानव अधिकार हनन, कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को लेकर शासन प्रशासन पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बदले की भावना को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र की रक्षा करने का आग्रह किया है। इस साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन, कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता का सवाल बना हुआ है। उग्र प्रदर्शन के दौरान देश में कई लोगों की हत्याओं और मानवाधिकार के हनन के साथ साथ राजनीतिक विरोधियों की सामूहिक हिरासत की ढेरों घटनाओं के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वोल्कर टर्क हिंसा के प्रमुख केंद्र ढाका विश्वविद्यालय पहुंचे और विभिन्न छात्रों से बात की। इस दौरान उन्होंने बदले की भावना को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र की रक्षा करने का आग्रह किया। अपने इस दौरे में वोल्कर टर्क अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख और अन्य नेताओं से मिलेंगे। इस बीच बांग्लादेश की अपदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल उनकी पार्टी आवामी लीग और कई अन्य दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका मंगलवार को वापस ले ली गई। छात्र आंदोलन के नेताओं की तरफ से याचिका ढाका उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। अब इस याचिका को वापस ले लिया गया है। याचिका में आवामी लीग समेत 10 अन्य राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस बीच अंतरिम सरकार ने कहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला नहीं किया है। सरकार ने केवल बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगाया है। एक अन्य याचिका में साल 2014, 2018 और 2024 में हुए आम चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठाया गया था। इन चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस याचिका को वापस ले लिया गया है। वहीं अंतरिम सरकार ने अगला आम चुनाव कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। नए चुनाव आयोग के गठन के लिए एक समिति गठित की गई है। अब चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। अंतरिम सरकार इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कह रही है। इस बीच अंतरिम सरकार ने छात्र विद्रोह के दौरान घायल हुए छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करने का निर्णय लिया है। अधिसूचना के मुताबिक सभी सरकार और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों, तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के छात्र इस छूट के हकदार होंगे। यह छूट माध्यमिक स्तर और उससे ऊपर के छात्रों के लिए लागू होगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। सर, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश पर लगातार हमारा फोकस बना हुआ है, जिस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं और बदले की भावना से वहाँ पर काम किया जा रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी उनको कहा गया कि वो बदले की भावना से काम ना करें। पहला रिएक्शन क्या है आपका बांग्लादेश को लेकर के? देखिए, अगर आप बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास देखते हैं तो ये बात आप साफ साफ मान के चलिए कि बांग्लादेश में एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स हमेशा डोमिनेंट फैक्टर रहा है और उसमें जो अपोजिशन पोलिटिकल फोर्सेज के खिलाफ इनटॉलरेंस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि जो सत्ता में रहता है वो अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस को कोर्स के माध्यम से, बल के माध्यम से दबाने का प्रयास करता है। अभी तक जो जिस तरीके से आवामी लीग पिछले 15 साल से थी, तो निश्चित रूप से जो अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस थे वो डिसअपियर होती जा रही थी, वीदर अवे हो रही थी और उसमें खालिदा जिया बहुत ओल्ड हो चुकी थी और तारिक जिया जो थे वो लंदन में थे, निर्वासित जीवन जी रहे थे और BNP को बहुत लीडरशिप नहीं मिल रही थी और एक तरीके से एक वॉकओवर मिला हुआ था आवामी लीग को राजनीति का। लेकिन अभी जो पिछले दो महीने से आप जुलाई अगस्त से जिस तरीके के डेवलपमेंट हुए, तो एक आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट सत्ता में आई है और इसमें खासकर जो भूमिका निभाई है वो जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट है वो उसमें सरजीश आलम है, हसनैत अब्दुल्ला है और हबीबुल इस्लाम, ये तीन खासकर बड़े लीडर हैं। इन्होंने स्टूडेंट्स को कोटा के नाम पे लीड करने का प्रयास किया तो और शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया, पदच्युत कर दिया गया। त्यागपत्र को लेके भी विवाद है कि त्यागपत्र दिया नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेके भी विवाद है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है वो कितना संवैधानिक है या किस संविधान प्रोविजन के माध्यम से बनी है। और तीसरा, जो यहाँ पर
जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो एंटी जो आवामी लीग फोर्सेज हैं वो अभी सत्ता में काबिज बैठी है, और आवामी लीग के जो प्रो आवामी लीग लिबरल डेमोक्रेटिक लोग फोर्सेज थे उनको दबाने का प्रयास कर दिए जो शेख हसीना के टाइम में, और उसमें जो उस कड़ी में बहुत सारे लोगों को निर्वासित कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। और साथ ही साथ अब क्या हो रहा है कि जो राजनीतिक दल, जो पुराने राजनीतिक दल है जिसमें जो आवामी लीग है, जो जिसके स्टूडेंट विंग को तो 23 अक्टूबर को बैन कर दिया गया, लेकिन अभी 28 अक्टूबर को यानी कल ये भी एक कोर्ट में एक दाखिला किया गया कि जो आवामी लीग है और बाकी जो 10 राजनीतिक दल है उनको भी बैन कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको ये बता, और ये याचिका वापस भी ले ली गई, याचिका वापस ले ली गई, उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जो दर्शक है उनको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप राजनीतिक इतिहास देखते हैं बांग्लादेश का, तो जो अवामी लीग है वो पाकिस्तान के विचार के खिलाफ एक राजनीतिक दल का निर्माण हुआ था, कि उन्होंने उर्दू भाषा और इस्लामीकरण का अपोजिशन किया था। 1949 में जो उनके ईस्ट पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण लीडर थे, जिसमें मौलाना भाषानी थे, उसमें सुहरवर्दी थे, एंड उसमें मुजीबुर रहमान भी उसके जॉइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त, लेकिन इतने बड़े लीडर नहीं थे जितने भाषानी और शोहरवर्दी थे। इन्होंने इस ईस्ट पाकिस्तान अवामी लीग, नेशनल अवामी लीग का निर्माण किया, और बाद में मुस्लिम वर्ड उसमें जोड़ा था, वो भी हटा दिया गया। तो इतनी बड़ी राजनीतिक दल है जिसने 1952 में भाषा का आंदोलन लड़ा, 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, और एक तरीके से ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर फोर्सेस का एक अड्डा है, जो अवामी लीग है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, भाषाई राष्ट्रवाद की बात करता है, और इस राजनीतिक दल का जो प्रेजेंस है वो पैन बांग्लादेश है। बांग्लादेश के हर डिस्ट्रिक्ट और हर गाँव में अवामी लीग का कार्नर है। तो इतनी बड़ी राजनीतिक दल को बैन करने की बात कर रहे हैं, जो आज के जो कुछ पिछले कुछ दिनों से जो नेतृत्व जो यूथ हैं वो सामने आए हैं, वो उसको बैन करने की बात कर रहे हैं। तो ये बात वो समझ गए कि ये ठीक है, ये बात वो समझ गए। लेकिन इस सब के बीच जैसा पाकिस्तान में होता है, वहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से हिंसा होती है, हत्याएँ हो रही हैं, हिंदुओं के साथ वही हो रहा है बांग्लादेश में इस वक्त अंतरिम सरकार जब वहाँ पर काम कर रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आवामी लीग जो है वो एक लिबरल सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस बांग्लादेश में रही है। हो सकता है कि प्रेजेंट सरकार हसीना की सरकार में थोड़ा ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज आ गई हो, लेकिन फिर भी जो लिबरल सेकुलर और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हितों का ध्यान रखती थी। जो उसके अपोजिशन है वो BNP एंड जमात इस्लाम का एक अलायंस जो पाकिस्तान जो बांग्लादेश की राजनीति में डोमिनेंट फोर्स रहा है, वो हमेशा एंटी माइनॉरिटी काम कर रहा है, कट्टरवाद को समर्थन और देता है, और इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करता है। तो अब ये बात मान के चलिए कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें 80-90% मैं कहूँगा जो वो लोग हैं जो BNP जमात इस्लाम के टाइम में BNP जमात इस्लाम को सर्विसेज दे चुके हैं। आज के दिन जो भी टेकर गवर्नमेंट के इंटरिम चाहे लगभग 17 में से 14 लोग हैं वो प्रो BNP प्रो जमात इस्लाम है। तो मान के चलिए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन पे तो पहला उनका टारगेट है उनको हरास करना, उनका प्रोसिक्यूशन करना, उनके राइट्स को, उनके पूजा स्थल को। सर, लेकिन अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये ठीक है कि वहां पर जमात और BNP का काफ़ी इस वक्त बोलबाला है और इसका असर भी दिख रहा है, कट्टरवाद वहाँ पर बढ़ रहा है और इसका कहीं ना कहीं असर दिखेगा एक समय पे जब हूजी जैसे आतंकवादी संगठन वहाँ पर काफ़ी उनको बढ़ावा मिलता था। हो सकता है अभी आने वाले दिनों में इस तरह के संगठनों को और वहाँ पर बढ़ावा मिले। लेकिन इस सब के बीच अब बांग्लादेश में क्या है कि वहाँ पर चुनाव कराया जाना बहुत ज़रूरी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कोई इस तरह का प्रेशर वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन BNP के जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर चुनाव हो। तो ऐसे में बांग्लादेश आर्मी को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की सेना कहीं ना कहीं जो अंतरिम सरकार है उसके पीछे से काम कर रही है ऐसा लग रहा है।
देखिए, मैं आपके माध्यम से दो बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात कि अगर मोटे तौर पे जो फैब्रिक बांग्लादेश के लोगों का देखते हैं तो सेकुलर है, सांस्कृतिक है, वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी ताकतों को कभी भी एंटरटेन नहीं करते। कहते थे कि 1947 में पाकिस्तान बना, फिर 1975 में पाकिस्तान बना बांग्लादेश, फिर 2001। दरअसल हमारे पास वक्त कम है, तो बांग्लादेश आर्मी हमेशा रिलीजन के माध्यम से राजनीति करने का प्रयास करती है, लेजिटिमेसी तलाश करती है और पाकिस्तान के रास्ते पर चलने का, क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग हुआ है वो पाकिस्तान के दिनों में हुआ है। तो निश्चित रूप से एक आर्मी कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता डेमोक्रेसी का और लिबरल सेकुलर फोर्सेस का। तो निश्चित रूप से बीएनपी आए या आवामी लीग रहे, मुझे लगता है उससे बांग्लादेश की फैब्रिक ज़्यादा मजबूत रहेगी, सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज मजबूत रहेगी और माइनॉरिटी और बाकी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके भी अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे अगर वहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे